बेटा आपका जो ये पेपर होने हैं ना अभी नवंबर में दोबारा, ठीक है, ये जो आपका हुआ ये ट्रायल था, हो सकता है एक और ट्रायल आपको देना पड़े, हो सकता है एमसीक्यू का। ये जो सिलेबस था ना जितना था, ये अभी नवंबर में फिर आना है सारा, इतना ही। कितना? 2 लेसन थे, 2 पोएम थी, है ना, और ग्रामर थी, सारी 3 लेसन 2 पोएम थी, ठीक है। ये अभी नवंबर में आना है, इतना ही सिलेबस, जिसमें से आपने 24-25 नंबर लिए हैं, इसमें से 40 नंबर लेने का स्कोप है। असली बोर्ड का ये पेपर होना है, ठीक है। ग्रामर फिर खत्म हो जाएगी, जो उसके बाद जो बोर्ड होना है ना, आपके 2 बोर्ड के पेपर हैं, एक ये और एक आगे, ये स्कूल में होना है, दूसरे के लिए बोर्ड के लिए आपका बोर्ड बाहर बनेगा, यानी 40, वो 40। हाँ ओके, मैं आपके लिए राघव दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ बात। बेटे आपका कुछ नहीं चाहिए, सुनो, आपका 40 नंबर का पेपर ये था, ये ही सेम पेपर आपका नवंबर में होना है बोर्ड का, ठीक है। बाहर से पेपर भी बाहर से आ सकता है, हो सकता है हमें स्कूल से बनाना पड़े, इट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ये पेपर होना है 40 मार्क्स का, 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं। इंटरनल असेसमेंट में जो आपसे मांगा जाता है उसे पेश करो। अगर आपको मैं कोई फोटो पिक्चर बनाने को कहती हूँ तो वो बना के भेजो, कोई होमवर्क कहती हूँ वो, कुछ कलेक्शन करने को कहती हूँ वो, 20 मार्क्स उसके हैं, ठीक है। आपकी होमवर्क कॉपी के, ये सारे मिला के 20 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में है। पर आपको पता है हमारा स्कूल हमेशा फेयर बेसिस पे चलता है। फेयर बेसिस मीन्स फेयर बेसिस ही, जो आपका सामान आएगा उसी के नंबर लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे, ठीक है। फिर जो इसके बाद बोर्ड है आपका मार्च में जो होना है, मार्च में होना है या मई में होना है मुझे नहीं पता कब होना है, जो बोर्ड है वो 40 मार्क्स का है, वो सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ खत्म हो जाना है, सब्जेक्टिव शुरू हो जाना है। सब्जेक्टिव में क्या होगा बच्चे? एक तो ये लेसन जो है ना, जो ये लेसन हम कर रहे हैं, 3 लेसन और 2 पॉइंट्स, ये डिलीटेड हो जाएंगे, ये डिलीट हो जाएंगे, ये नहीं आएंगे दोबारा, क्योंकि इसका हम चप्पा चप्पा छान चुके हैं, ये नहीं आएंगे। कबीर है, मीरा है, ठीक है, उधर से बड़े भाई साहब है, तारा व मीरो है, और अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, ये सारे डिलीट हो जाएंगे। जो बाकी रह जाएगा सिलेबस वो सारा सब्जेक्टिव में आएगा, यानी अगली टर्म का क्या आएगा, लेसन्स प्लस राइटिंग स्किल्स, वहां स्कोप बढ़ जाता है नंबर लेने का, यहाँ फिर भी कम होता ग्रामर। ये अभी आएगी नवंबर में, नवंबर तक ग्रामर को भी लेकर चलना है। तो मैं जो नेक्स्ट सिलेबस है ना बेचे, वो सिलेबस आपको शुरू करवा रही हूँ। मैंने 2 बार 2 दिन लगा चुकी हूँ मैं मनुष्यता कविता की स्टार्टिंग करके, कल भी मैंने लगाए हैं, 3 पैराग्राफ कल करवा दिए थे, 2 पैराग्राफ पहले पहले भी करवा चुकी हूँ मैं, यानी 2 दिन मैं मनुष्यता कविता पे लगा चुकी हूँ, आज तीसरा दिन है मनुष्यता कविता पे। हमारी कविता है मनुष्यता। बेटे थोड़ा सा क्लास में ध्यान से सुनोगे तो काफी कुछ यही सॉल्व हो जाता है। इसके कवि हैं कौन थे? मैथिली मैथिली शरण गुप्त, स्पर्श, ठीक है। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि मैंने कल बताया था इसीलिए मैं पूछ रही हूं आपसे। मैथिली शरण गुप्त ये सियाराम शरण गुप्त के भाई हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है ना, सियाराम शरण गुप्त के भाई हैं। सियाराम शरण गुप्त वो वाले कवि हैं जो हमेशा प्रकृति का वर्णन करते हैं। ओके तो नहीं, वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, प्रकृति का वर्णन करने वाले। ओके जी, मनुष्यता। अब जैसे नाम से क्लियर है, मनुष्यता, इंसान हो, इंसानों वाले काम करो, जानवरों वाले नहीं। मैंने कल भी बच्चों को यही बताया था, विनीत सामने बैठी थी मेरे, मैंने यही बताया था, ऐसे काम करो क्योंकि मनुष्य की जुनी मिल गई, तो मनुष्य वाले काम करो, जानवरों वाले नहीं। अब जानवरों का काम क्या होता है, पशु प्रवृत्ति क्या होती है? पशु प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति मीन स्वभाव। पशु का स्वभाव क्या होता है? आपने गाय को और गाय के बछड़े को छोड़ दिया, जाओ खाना खा लो, तो गाय और गाय का बछड़ा क्या करेंगे? गाय कभी पीछे रुकेगी नहीं कि बछड़े को उठा लो या टांगों से धक्का मारू और ले जाऊं कि आज ही खाना खा चल अपना, नहीं ना, ऐसा नहीं करेगी ना गाय। गाय अपना भागेगी, उसको देख के बछड़ा भागेगा, और जो माँ कर रही है वो साथ में करेगा और कर लेगा,
लेकिन आपके साथ क्या होता है, आप किसी पार्टी में मम्मा के साथ गए हो ना, तो मम्मा ने प्लेट उठाई ना, मम्मा को प्लेट उठाते हुए आपकी याद आएगी, बच्चे ने उठाया खाला है। ये होने जाना है ने? 10 मिनट रुक सकते हो, 10 मिनट भेज देनी है, सिर्फ 10 मिनट। हाँ जी, मैंने आपको बताया कि पशु प्रवृत्ति क्या होती है बच्चे, पशु प्रवृत्ति है अपना अपना खाना है, ओके। अब वो इंसान जब इंसानियत के काम करता है, हमारे पास बहुत से धर्म है लेकिन हम उन धर्मों को वास्तविक चीज नहीं कह सकते अगर हमारे मन में प्यार नहीं है ना, किसी के लिए दया नहीं है, किसी के लिए सहानुभूति नहीं है, किसी के दुख में हम दुखी नहीं होते, तो जीना फजूल है, कोई फायदा नहीं उस जीने का। किसी के साथ हो, किसी के दुख में भागीदार बने, तब जीना जीना है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया सालों साल याद रखती है, ठीक है, और जिसे दुनिया याद रखती है उसकी मृत्यु क्या बन जाती है, सुमृत्यु, अच्छी मौत। वो मरता है जिसको दुनिया याद रखे, और दुनिया याद किसको रखती है, परोपकार करने वाले लोग को, मनुष्यता के काम करने वाले व्यक्ति को, ठीक है, दूसरे की भलाई करने वाले व्यक्ति को। कल मैंने एक चीज और बताई थी, तारता हुआ तरे, आप किसी को पार करवा रहे हो तो आप अवश्य पार हो जाओगे, आप किसी डूबते हुए को पार करवा रहे हो, कैसे हो सकता है आप डूब जाओ, आप तो उसको पार करवाने की कोशिश में ही पार हो जाओगे। यही है कि अगर हम भलाई के काम करेंगे तो हमारा भला तो हो ही जाएगा, ये हो ही नहीं सकता हमारा भला ना हो, ठीक है। उसने कवि ने पहले पैराग्राफ में हमें कहा है कि अपना मरना सफल कर लो, मरने वाले तो हो, जो पैदा हुआ है वो जाएगा तो जरूर, लेकिन उसी को इंसान याद रखता है जो भलाई के काम करता है। तो याद रहने योग्य काम करके जाओ ना कि दुनिया बाद में याद रखे आपको, ठीक है। एक उसने पहले पैराग्राफ में ये कहा, दूसरे पैराग्राफ में कहा है उसने, ये जो उदारता है ना, मनुष्यता का काम करना जो है ना, वो उदारता है। उदारता मीन्स खुले दिल वाला काम, इसका कल ऑपोजिट मैंने बताया था कृपण, कंजूस, कंजूस का उल्टा होता है उदार। जो उदार हृदय होता है ना, मतलब कोई बात नहीं यार, तेरा भला होता है तू ले जा, जो उदार होता है ना उसे दुनिया याद रखती है, उसे हिस्ट्री में याद रखा जाता है, किताबों में उसका नाम दर्ज हो जाता है, और जो किताबों में आ गया वो अमर हो गया, जो किताब में आ गया, जिसका नाम किताब में आ गया वो अमर हो गया, ठीक है। उसी की दुनिया गीत गाती है, उसी की दुनिया यश के गीत गाती है, बहुत अच्छा था वो व्यक्ति, बहुत अच्छा था, जैसे मदर टेरेसा, भूल के भी नहीं भूल सकते उसे, आप क्या आगे आने वाली कितनी जनरेशन उसे याद रखेंगी, कितनी जनरेशन, क्योंकि बुक्स में नाम आ गया उसका, ठीक है, अमर हो गए। क्योंकि महात्मा बुद्ध को आज तक सारे याद रखते हैं, क्यों याद, बड़े राजा, उनके जैसे बड़े राजा पैदा हुए और चले गए, लेकिन महात्मा बुद्ध ही क्यों याद है, क्योंकि उन्होंने जो दया का संदेश दिया ना वो किताबों में दर्ज हो गया, बुक्स में आ गया, है ना, उनकी दया के आगे सारी दुनिया झुक गई। पहले लोग हमेशा ऐसे काम करने वाले के विरुद्ध खड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे उसी प्रवाह में बह जाते हैं कि हाँ ये ठीक कर रहा है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध को इसीलिए दुनिया याद रखती है कि उन्होंने दया का संदेश दिया। और आपको पता, महात्मा बुद्ध ने तो ये तक कहा था, जैसे आजकल आप कोविड के कारण मुंह पट्टी लगाए हुए हैं, महात्मा बुद्ध तो कहते हैं वैसे ही पट्टी लगा के रखो मुंह पे, क्यों, कोई भी जर्म इनहेल करके आप उसे मारो नहीं, वातावरण में बड़े जर्म्स हैं, ऐसे बड़े मतलब अच्छे बुरे हर तरह के जीव हैं, उन्हें मारो नहीं, पर उन्होंने कहा ऐसा, नंगे पांव चलो, पैर के नीचे, चप्पल के नीचे आके कोई जानवर ना मारा जाए। आपको पता है जैनी लोग और वो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले नंगे पांव चलते हैं, मतलब चलो हमें लगता है ये कुछ ज्यादा हो गया, पर वो कहते हैं गलती से भी कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। जितने महापुरुषों को बेटा हम याद रखते हैं ना, उन्होंने हमें कोई ना कोई संदेश ही दिया है, है ना। फिर अगले पैराग्राफ में क्या कहता है, इसमें कवि कहता है कि ये हम लोग क्या करते हैं,
थोड़े से पैसे के लिए ना अंधे हो जाते हैं। थोड़ा सा पैसा, अच्छा यहाँ से पैसा आ रहा है, मैं अपने तरफ से कहती हूँ मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बिल्कुल कोई गलत काम नहीं करती, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मैं, है ना, लेकिन उधर से नजर आ रहा हो, हाँ नहीं आपको इसमें से 2,000 की कमाई हो जानी है, बस ये कितना सा काम करना और आपको 2,000 की कमाई होनी, इंसान डामाडोल हो जाता है ना, मनुष्य की फितरत है। वो कहता है, कभी कहता है, रहो न भूल के कभी मधांध तुच्छ वित्त के। तो वित्त मंत्री क्या होता है, वित्त मंत्री किसको कहते हैं, हाँ फाइनेंस मिनिस्टर, कहता है थोड़े से फाइनेंस के लिए ना भूल के भी अंधे मत होना, पैसे को देख के कभी लालच मत करना, कभी कोई गलत काम मत करना पैसे को देख के, पैसा तो हाथ की मैल है, आएगी और जाएगी, ठीक है। फिर उसने कहा कि परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, परस्परावलंब वर्ड उसने इतना बड़ा वर्ड यूज किया, अवलंब होता है सहारा, दो वर्ड है याद रखना, एक है वर्ड अवलंब और एक है अविलंब, अविलंब बिना देरी के, हमारे पास ये वाला वर्ड है अवलंब, अवलंब होता है सहारा, परस्परावलंब के, ये आगे कविता में आना है, मैं आज इन शॉर्ट करवा रही हूँ आपको, पता नहीं आपको दोबारा पकड़ पाऊं कि ना पकड़ पाऊं, लेकिन मैं आज ऑन द होल कविता करवा रही हूँ आपको, पैराग्राफ नहीं ले रही मैं, वैसे चल रही हूँ इनके हिसाब से चल रही हूँ, है ना। परस्परावलंब, एक दूसरे का सहारा बन के चलो, कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टूथब्रश, आप सुबह सुबह उठ के टूथब्रश करते हो, सीधा ही वॉशरूम जाते हो, टूथब्रश करते हो, वॉशरूम जाते हो, उसमें जरा एक बार जाके ना सुबह मॉर्निंग आके खोलते ही नजर मार के देखना आपका किया हुआ क्या है, यहाँ सुबह उठते हैं टैप वाटर ऑन करते हैं, ना टैप आपकी बनाई हुई, ना पानी आपका स्टोर किया हुआ, ना पानी आपने बहाया हुआ, मतलब नथिंग। परस्परावलंब, हर काम एक दूसरे का सहारा बन के होता है, मिलजुल के हम काम कर सकते हैं, अकेले हम असहाय हैं। तो कहते हैं एक दूसरे का सहारा बन के उठो तुरो और ग्रुप बना के तरक्की की ओर बढ़ो, ठीक है, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। फिर कहते हैं क्या करना चाहते हो, जिंदगी में आए क्यों, हम चाहते हैं हम परमात्मा की गोदी में बैठे, मतलब इतने प्योर काम करें कि परमात्मा से हमारा सीधा मिलन हो सके। अब परमात्मा से मिलन जाते हो ना, परमात्मा की गोद में बैठना चाहते हो, जैसे भक्त प्रहलाद बैठा था, प्रहलाद नहीं वो बैठा था, प्रहलाद की बात नहीं, प्रहलाद तो है ही है हमारे उसमें मीरा में, क्या नाम था उसका, ध्रुव, उसे कहा था ना सौतेली माँ थी, कहा था कि सौतेली माँ का बच्चा गोद में बैठता था, सुरुचि थी उसका बच्चा गोद में बैठता था पिता की, तो इसने कहा माँ मैं कब बैठूंगा पिता की गोद में, तो माँ ने कह दिया तू परम पिता की गोद में बैठना, तो उसने उस तरफ से काम करने शुरू कर दिए कि परमात्मा की प्राप्ति हो, और उसे परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, हमें प्योर होना होगा ना थोड़ा सा, हाँ प्योर होना होगा, प्योर होना होगा। मैंने आगे भी आपको बताया परमात्मा शब्द में हम भी हैं और परमात्मा भी है, क्या फर्क है, हम आत्मा है वो परम है, हमारे जैसा ही हमारा फादर, हम अपने फादर जैसे होते हैं ना, तो हमारे जैसा ही है हमारा फादर, फर्क क्या है, वो परम है इसलिए परमात्मा, उसकी कही हुई बात हो जाती है। अगर आप भी प्योरिटी से रहो ना, तो आपकी कहे हुए शब्द भी पॉसिबल होने शुरू हो जाएंगे। आप क्यों किसी बड़े का आशीर्वाद लेते हो, क्योंकि हम मानते हैं कि बड़ों के कहे हुए शब्द सच हो जाते हैं हमारे लिए, इसलिए हम आशीर्वाद मांगते हैं, ठीक है। तो जो प्योर हो जाता है ना दिल से, उसके शब्दों का उचित, उसे शब्दों का बहुत सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसके कहे हुए शब्द पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो परमात्मा कहते हैं क्या करना है, थोड़े से प्योर होना है आपको, बुराइयों से बाहर निकलो तो आप परमात्मा की गोद में बैठ जाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक पैराग्राफ में उसने कहा है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, हम सबको समझ आ जाए बेटे। हम लोग स्कूल में प्रेयर करते हैं, कौन सी प्रेयर करते हैं, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव तू मेरा प्राता, मतलब तू मेरा
मेरा पिता, तू है मेरा माता। अगर हम सबका पिता वो है तो हम सब आपस में क्या है, भाई बहन, है ना। जब हम एक गुरु से दक्षिणा ले लेते हैं तो हम वहां के फॉलोअर्स को क्या कहते हैं, आप मेरी गुरु बहन है, चाहे वो आंटी हो चाहे वो दादी हो, आप कहते हैं ये मेरे गुरु भाई हैं, ये मेरी गुरु बहन है। मतलब अगर परमात्मा एक है तो हम सब भाई बहन है। अब आपको तकलीफ है और मैं आपकी तकलीफ में आपकी सहायता ना करूं तो काहे की बहन हुई। सिर्फ एक यही तो रिश्ता है बेटे, जहां इंसान भागा जाता है। आपस में भाई बहन बहुत लड़ते हैं, लेकिन जहां किसी दूसरे की बात आती है वहां हम दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। आप दोनों की बहनें हैं, रोज बहनों से लड़ते होंगे, रोज झगड़ा होता होगा, लेकिन अगर कोई बाहर वाले किसी ने आपकी बहन को पकड़ा या हाथ भी लगाया तो व्हाट विल यू डू, सबसे बड़ी दुश्मनी आपकी होगी उससे, है ना। मतलब हम बहन भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो बेटे वही वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर परमात्मा वो है, पिता है, हम सब आपस में भाई बहन है, फिर हम एक दूसरे का ध्यान क्यों नहीं रखते, फिर हम एक दूसरे के लिए काम क्यों नहीं करते। हमें एक दूसरे के लिए काम करने चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हम भाई बहन है, है ना। वो उस भाई बहन को हम भाई बहन क्यों मानते, क्योंकि हमें पता है हमारे माता पिता वही है, और तो कोई नाता नहीं है ना। आपकी बहन से आपका क्या नाता है, क्या नाता है, सिर्फ आपके फादर मदर ने बताया कि जैसे हमने तुझे पैदा किया वैसे इसे भी पैदा किया, बस, और तो कोई नहीं है ना प्रूफ आपके पास, ठीक है। तो बस यही प्रूफ परमात्मा का है, हम सब उसके भाई बहन है, उन्होंने आपको पैदा किया, उन्होंने मुझे पैदा किया, इसका मतलब हम भी भाई बहन है आपस में। तो हमें भी एक दूसरे का उतना ही ध्यान रखना होगा। अब मैं देखिए एक बार कविता पढ़ रही हूँ, सिर्फ जस्ट रीडिंग करूंगी मैं कविता की, आपको कितनी समझ आती है वो देखते हैं। एक पीरियड और लगेगा इस कविता को, एक पीरियड और लगेगा, अभी तीन हो चुके पीरियड, चौथा पीरियड भी लगेगा। देखिए, विचार लो कि मरते हो, इकट्ठे बैठ जाओ दोनों, कविता देख लो जरा। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरने वाले हो, विचार लो मरने वाले हो, मृत्यु से नहीं डरना। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सब, मरो पर ऐसे काम करके मरो कि सारी दुनिया याद रखे। हुई ना यू सुमृत्यु, इस तरह अच्छी मृत्यु अगर नहीं हुई ना तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, आपके लिए मींस आपके लिए, कहते उसका मरना भी फजूल है जो आपके लिए दूसरे के लिए कार्य नहीं करता, उसका मरना भी फजूल है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, कौन से उदार की बात हो रही है, मनुष्यता रूपी उदार। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, सरस्वती बखानती मीन्स हिस्ट्री में दर्ज है, सरस्वती माता लिखने 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 की माता, है ना, सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, पृथ्वी भी कहती है धन्य हूं मैं आप जैसे परोपकारी ने मेरी मेरे ऊपर जन्म लिया, कृतार्थ मानती है धरती भी। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, ऐसे उदार व्यक्ति का यश गाया जाता है हमेशा ताजा, हमेशा सजीव, मरता नहीं ऐसे व्यक्ति का यश। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, ऐसे व्यक्ति को सारी दुनिया पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, मैं बेटे टाइम से हमेशा पहले ही छोड़ती हूँ, अभी छोड़ दूंगी, मैंने पता है मुझे। अखंड आत्मभाव जो अखंड, अखंड जिसके टुकड़े ना हो, मेल जोल का भाव जो बिना तोड़े एक दूसरे के मन में भरता है ना, वही मनुष्य है। भेदभाव जो मिटा देता है, वो छड़, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या होते हैं, असली धर्म तो मनुष्यता का धर्म है, ठीक है। जो ऐसी भावनाएं भरता है वो सबसे बड़ा मनुष्य है। आगे, शुद्धार्थ धरती देव ने दिया करस्त थाल भी, ये पैराग्राफ मैं अभी आज नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने कल बहुत डिटेल से करवाया था, चार के एग्जाम्पल दिए हुए,
एक भूख से व्याकुल रतिदेव का, एक दगीची का, एक उषी नर क्षितिज का और एक करण का। दगीची ने अपनी हड्डियां दे दी थी असुरों और उनके युद्ध के लिए कि इसका अस्त्र बना लो, ठीक है। और शुद्धार्थ रतिदेव ने क्या किया था, हाथ में थाली पकड़ी थी, खाना खाने लगा, सामने कोई मांगने वाला आ गया, अपनी थाली दे दी। क्षितिज ने क्या किया था, एक घायल कबूतर आया, कबूतर को उठा लिया। शिकारी कहता है ये कबूतर मेरा है, मुझे तो इतना मांस चाहिए, तो उसने अपनी जंगा का मांस दे दिया था कबूतर की जगह पे, कबूतर को बचाने के लिए, ठीक है। और करण के साथ क्या हुआ ये तो आप सब जानते हैं कि करण को बचपन से ही, जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त थे, ठीक है। उसने वो भी दान कर दिए जब इंद्र देवता उससे मांगने आए। इंद्र देव ने छल से मांगे थे ना, मालूम होगा ना ये महाभारत की, छल से मांगे थे करण के कवच और कुंडल, उन्होंने दे दिए क्योंकि उन्होंने एक अपना संकल्प लिया हुआ था कि मेरे सुबह नहाने के बाद जो भी कुछ मांगेगा कोई मैं उसे दान दे दूंगा। कवच और कुंडल मांग लिए, दे दिए, ठीक है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या मरे डरे, ये देह हमारी अनित्य है, हमेशा नहीं रहने वाली। नित्य मीन्स हमेशा, अनित्य मीन्स हमेशा नहीं रहनी, शरीर नश्वर। कि मैं थर्ड पैराग्राफ पढ़ रही थी, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगला है सहानुभूति चाहिए। आप सबको सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति मीन्स कोई बात नहीं बेटे, इस बार नंबर कम आया, कल को ज्यादा आ जाने, चिंता मत करो, आप तो बहुत अच्छे हो। कंसोल करने का तरीका है ना, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है ये। अगर आप किसी से सहानुभूति से बात कर सकते हो ना तो ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा गुण है कि आप किसी को कंसोल कर सकते हो, किसी से प्यार से बात कर सकते हो, सहानुभूति से बात कर सकते हो, उसके दुख में दुखी हो सकते हो, उसके सुख में सुखी रह सकते हो, ठीक है। महाविभूति है यही, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं ही, और आपकी इस सहानुभूति के वश में ही सारी धरती है। मही मीन्स धरती, सारी धरती इसी वश में है कि जिसको जो चाहिए उसे दो, सहानुभूति है चाहिए, सहानुभूति दो। सॉरी मैं व्याख्या नहीं कर रही, अभी मुझे पोएम व्याख्या दोबारा करानी है, अभी तो मैं रीडिंग कर रही थी। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, महात्मा बुद्ध दया, उनके विरुद्ध खड़े हुए लोग फिर भी साथ में चल दिए। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त के, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकी नाथ साथ हैं, ठीक है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। इस लाइन की व्याख्या कर सकते हो, अतीव भाग्यहीन है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा, अधीर भाव जो करे, जितना है उसमें संतुष्ट नहीं रहता, और मिले की तमन्ना करता है, अधीर भाव, और मिले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। बस मैं पढ़ के बंद कर दूंगी। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, अपंक हो बिना कीचड़ के, निर्मल हो के देखो तो सही, परमात्मा अपने आप गोद में बिठाएगा। रहो न यू कि एक से न काम एक का सरे, ये मैंने अभी एग्जांपल दी ना, वॉशरूम में मॉर्निंग में जाते हो, देखा करो आपका किया हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहा है उसने रहो न भूल के कभी, सॉरी रहो न यू कि एक से न काम एक का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, समझ में आ जाए ना, हम भाई भाई हैं, बस ये सबसे बड़ा ज्ञान है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, पिता हमारा एक है और सब में आत्मा एक जैसी है, ठीक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाहरी भेद हैं। जब हम कहते हैं ना हम उस पिता की संतान है, हम सब एक हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले क्वेश्चन यही पैदा होता है कि फिर हमारे में डिफ्रेंशिएट क्यों किया परमात्मा ने, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी को गोरा, किसी को काला, क्यों किया है? तो वो कह रहा है फलानुसार कर्म के अवश्य बाहरी भेद हैं, अपने कर्मों के हिसाब से हमारे में अंतर जरूर है, ठीक है।
परंतु अंतरैक में प्राण भूत भेद है, अंदर आत्मा सबकी एक जैसी है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा, अरे हम एक दूसरे भाई बहन का काम नहीं करते, अनर्थ है ना ये तो। वही मनुष्य है कि यो मनुष्य के लिए मन। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उनको ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हा, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क बिना आर्ग्यूमेंट के एक रास्ते पे चलो, कौन से रास्ते पे? मनुष्यता का रास्ता, ठीक है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, किसी का उद्धार कर रहे हो तो आपका तो अपने आप हो जाना है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमारे 10th के लेसन्स बहुत 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 सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं लेसन हमारे, है ना। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लेसन, कितना बढ़िया लेसन है हमारा, बहुत बढ़िया लेसन है कि सच में अब ऐसे लोग नहीं है। ओके बेटा, गुड बाय।